हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और तो देख सकते हैं यहाँ पे। ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ़ोन ऑन है और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रही है। पत्ता उसका लगा हुआ है, डिस्प्ले का पत्ता। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं, सब कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे नो ग्राफिक्स लाइट है। तो इसके सोल्यूशन हम करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो गाइस चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि चलिए इसके सोल्यूशन से पहले मैं इसके सप्लाइयाँ कुछ आपको बता देता हूँ। छोटा सा रहेगा जिसमें आपको एंडलेस आपको समझ में आया कि आपको करना क्या रहता है एक्चुअल में। तो देखिए ये हमारा वही फ़ोन का बोर्ड है। तो इस बोर्ड में हम आएंगे और इसकी सप्लाइयाँ चेक कर लेंगे। तो इसकी लाइट और ग्राफिक्स की सप्लाई आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली तौर से हार्डवेयर भी करने वाले हैं। तो जितने पिने दिखाई दे रहे हैं गाइस, आपको यहाँ पे सभी पे हमारा GR आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये लाइट IC लगी हुई है जस्ट CPU के नीचे, जो कि हम आपको अभी प्रैक्टिकल तौर से दिखाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है कि 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं रहा, बीच पे BPH पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो सीधा सीधा आपको IC पे काम करना होगा। तो जनरली चलिए इसके सोल्यूशन पे चलेंगे और आपको वीडियो को दिखाएंगे लास्ट एंड तक। और इसकी अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स सेक्शन इसका ये है। तो इस पर आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं इन सभी पिनों पे ये हमारी MIPI की लाइन और हमारा VDD 1.8 और 3.1 क्या आप भी सप्लाई देख सकते हैं। तो इन दोनों पे भी हमें GR आना चाहिए। ये टीरिंग की लाइन है हमारी, TE देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये जो हमारे कॉम्पोनेंट हैं, अब मैं आपको जूम आउट कर दे रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रेसिंग करने में आसानी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे LDO लगा हुआ है पर्टिकुलर, और ये सीधा सीधा सारा CPU से जाता है गैस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये आप यहाँ पे पावर IC सब DC to DC जो IC है यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, एक छोटा सा सप्लाई, और हम वीडियो को चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको डायरेक्टली आपको सोल्यूशन को बताऊंगा। यहाँ पे फोन हमने पावर क्यू को प्रेस कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट और ग्राफिक्स आ चुका है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने IC इसकी थी वो उससे काम नहीं हुआ, फिर उसको चेंज करना हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट IC को हमने चेंज किया। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाए, ये लाइट IC और उसका बूस्ट कॉयल, ये दोनों ही हमने चेंज किया, तब जाके यहाँ पे इसका प्रॉपरली तरीके से लाइट और ग्राफिक्स यहाँ पे बना गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो
ज़्यादातर गैस उस आईसी को आपको रिवॉल्व करने से ही काम हो जाता है, बाकी अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो आइए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लास्ट दिन तक आपने देखा, इसलिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।